हेलो गाइस वेलकम बैक आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए फोर्थ सेम का जो मेजर पेपर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग एल एसक्यू उसके बारे में बात करने जा रहे हैं तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहां पर फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं बट इन केस यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जस्ट मेक श्योर की आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करो क्योंकि ये चैनल आपको थ्रू आउट योर स्टडीज काफी हेल्प करने वाला है तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं तो आपकी जो पहली यूनिट है इसमें यदि हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस के डेफिनेशन उसके एडवांटेजेस उसका आर्किटेक्चर ठीक है मॉडलिंग, उसके बाद हम आ जाते हैं ई आर मॉडल पर उसके जितने भी सिंबल्स हैं आपको पता होना चाहिए उसके बाद स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस एंड ये जो आपका कैटेगराइजेशन और एग्रीगेशन है ये आपका एक्सटेंडेड ईआर मॉडल का है अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड यूनिट पर तो यहाँ यदि हम बात करें तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कीज ठीक है की और उसके बाद में है इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स की के अंदर आपके सारे आ गई फॉरेन की वगैरह सब तो सारे टाइप्स पता होने चाहिए नॉर्मलाइजेशन में एटलीस्ट आपको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक सब कुछ आना चाहिए ठीक है और यदि हम इसी में आगे बात करें तो यहाँ पर है आपके पास में ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू मैनी ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ यूनिट पर एक बात और कह दूं इन टॉपिक्स को स्कीप नहीं करना है बट इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ ही नहीं पढ़ें आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए और इन टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए तो हम आ जाते हैं अपने थर्ड यूनिट पर थर्ड यूनिट में जो आपका रिलेशनल एलजेब्रा है जो आप मैथ्स में पढ़ के आए हुए हो वही है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद में है ठीक है तो जॉइन एक आप एसक्यूएल में देखेंगे और यहाँ पर जो है ये आपका थियोरिटिकल पोर्शन रहेगा पूरा उसके बाद में रिलेशनल कैलकुलस में एटलीस्ट आप ये टारगेट और क्वालिफाइंग स्टेटमेंट जरूर कर लो अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ यूनिट पर यहाँ आपके पास एसक्यूएल शुरू हो चुका है ठीक है तो एसक्यूएल की जो क्वेरीज हैं ये क्वेरीज आपको पता होना चाहिए ठीक है सिंगल सिंगल लाइन की छोटी छोटी सी क्वेरीज होती हैं तो इसमें आपको जो आपका वेयर मल्टीपल टेबल क्वेरीज थी है ना ज्वाइन वगैरह आ जाएंगे जिसमें ठीक है और या, वाले जो है, ये सारे इधर आ गए प्रैक्टिकल वाले ठीक ये आपको पता होना चाहिए व्यू डेफिनेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट है ये और ये जो बिल्ट इन फंक्शन थे ठीक है ग्रुप बाय हैविंग बी और बिल्ट इन है सारे अब हम आ जाते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी फिफ्थ यूनिट पर जिसमें है आपके पास फिजिकल डेटाबेस सिस्टम इसके अंदर आपका आ जाएगा फिजिकल एक्सेस ऑफ डेटाबेस स्टोरेज मीडिया और सेकेंडरी स्टोरेज और यदि हम इसमें बात करें तो डिस्क परफॉर्मेंस के जितने फैक्टर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए ठीक है और फाइल ऑर्गेनाइजिंग एंड एड्रेसिंग मेथड्स तो जो एड्रेसिंग की मेथड्स थी वो आपको पता होना चाहिए सो आई थिंक अगर इतना आपने कर लिया तो आप, आपका काफी सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और यदि आप ये एड्रेसिंग मेथड्स नहीं करते हैं तो आपको ये जो हैशिंग है ये तो करना ही है स्टैटिक और डायनामिक हैशिंग में डिफरेंस भी और कैसे करते हैं ये भी आपको आना चाहिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों से शेयर करो और वीडियो को जरूर लाइक करो सो so, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपके ही किसी दूसरे पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे